दोस्तों एक बार ये वीडियो देखो जरा, इसमें आप क्या कह रहा है। जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो उसके डब्बे को आप बाहर कूड़े में फेंक देते हो, लेकिन उस डब्बे में सबसे कीमती चीज होती है आपका पूरा डिटेल्स। अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तो वो कुछ भी आपके साथ गलत कर सकता है, लाइक ब्लैकमेलिंग। तो उस डब्बे में से अपनी डिटेल्स मिटाकर ही उसको कूड़े। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बारकोड होता है हमारे पास, जो बारकोड ये चीज़ होता है, वो हमारे कंपनी के वेबसाइट पे ही इसकी पूरी डिटेल दिखती है। अगर ये मैं ग्लोरोड से मंगवा रहा हूँ तो या तो ग्लोरोड वाले के पास इसकी डिटेल होगी, या हमारे जो कंपनी डिलीवर करता है इस पार्सल को उसके पास डिटेल होती है, जिसमें कस्टमर का एड्रेस होता है, एड्रेस सभी के पास होता है, एड्रेस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, आप फ़ोन नंबर इसके अंदर नहीं होता है, इस लेवल पे फ़ोन नंबर नहीं होता, तो इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, नहीं आपको कोई ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर होता ही नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से या किसी और चीज़ से स्कैन करेंगे बारकोड, या आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपके फ़ोन पे वो जिस भी कंपनी की वेबसाइट से या जिस भी एप्लीकेशन से आप बारकोड स्कैन करेंगे उसके पास वो डाटा है ही नहीं। जब डाटा ही नहीं है तो वो क्या ही आपकी डिटेल निकाल लेगा, इसमें आपको फ़ोन नंबर नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर हमारी कंपनी की वेबसाइट जो अगर ईकॉम एक्सप्रेस की तरफ से है, तो ईकॉम की वेबसाइट पर नहीं, ईकॉम का अपना एक पैनल होता है, उस पर अगर इसको स्कैन किया जाए तो इस पर डिटेल निकल जाएगी, कस्टमर का फ़ोन नंबर तक भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही फेंक सकते हो, क्योंकि मैं भी लेकर सामान खरीदता हूँ तो मैं इसको ऐसे ही फेंक देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बेझिझक होकर डब्बा को ऐसे फेंक दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।